फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 21। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको ऑर्डर 20 तक, अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम ऑर्डर 21 जो इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो बहुत लंबा है, 106 तक इसके रूल्स हैं, तो इसको देखते हैं एक वीडियो में कवर हो पाता है कि नहीं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, इसके रूल्स को समझते हैं। तो ऑर्डर 21 जो रिलेटेड है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स। डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन कैसे किया जाएगा, जो कोर्ट के द्वारा है, कोर्ट ने केस में क्या है जजमेंट दे दिया, उसके अनुसार में डिक्री तैयार कर दी, ऑर्डर दे दिए, लेकिन उसका क्या है एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, लागू कैसे किया जाएगा, इसका प्रोविजन करता है ऑर्डर 21। तो ऑर्डर 21 क्या कहता है, समझते हैं रूल 1 से। रूल 1 कहता है मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री। डिक्री के अधीन धन के संदेह की रीतियां क्या होंगी, जो डिक्री के अधीन संदेह जो धन है, जो देना हुआ है धन उस केस में, जो मनी है वो उस केस में देनी है, सभी धन का निम्नलिखित रीति से संदेह किया जाएगा, अर्थात ऑल मनी पेएबल अंडर ए डिक्री शैल बी पेड एज फ्लोइंग, नेमली उस न्यायालय में जिसका कर्तव्य उस डिग्री का निष्पादन करना है, जमा करके या उस न्यायालय को मनी ऑर्डर द्वारा या बैंक के माध्यम से बेचकर, जिस न्यायालय में उस डिग्री का एग्जीक्यूशन होना है उस कोर्ट में क्या है जो मनी है, जितनी मनी उसमें कोर्ट में भेजनी है, जितना पैसा उस कोर्ट में भेजना है वह उस कोर्ट में जमा करा के मनी ऑर्डर के द्वारा या बैंक के माध्यम से भेजा जाएगा। नेक्स्ट जो रीति आएगी वह आएगी कि न्यायालय के बाहर डिक्रीदार को मनी ऑर्डर द्वारा या किसी बैंक के माध्यम से अन्य रीति से जिसमें संदाय का लिखित साक्ष्य हो, या जो डिक्रीदार है जिसके पक्ष में क्या है डिक्री हुई है उसको अपने केस में पैसे देने हैं, तो उसे मनी ऑर्डर के थ्रू दे सकते हैं, बैंक के माध्यम से दे सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से दे सकते हैं जो एक रिटन में हो, रिटन एविडेंस के तौर पे हो, तो इस तरीके से आप क्या है उसे पैसा दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं डिक्री में, जो डिक्री होल्डर को। नेक्स्ट आते हैं अदरवाइज एट द कोर्ट विच मेड द डिग्री डायरेक्ट। अन्य रीति से जो न्यायालय डिक्री में आदेश करे या निर्देश करे, तो उस रीति से भी क्या है जो मनी रिलेटेड जो संदाय करने हैं उसको पेइंग करना है मनी को, तो वह इस नीति से किया जा सकता है। सब रूल 2 कहता है रूल 1 का, जहां संदाय उपनियम 1 के खंड का या गा के अधीन किया जाता है वहां निर्णित डिक्रीदार को उसकी सूचना न्यायालय के माध्यम से देगा और सीधी रजिस्ट्रीदार द्वारा सीधे देगा। अगर जो क्या है डिक्रीदार को सीधे तौर पे क्या है मनी ऑर्डर के थ्रू या बैंक के थ्रू या अन्य रिसीट अगर दिया जाता है, तो उसमें कोर्ट को सूचना क्या है देनी होगी और कोर्ट के माध्यम से उसको डिक्रीदार को डिक्री होल्डर को सूचना देगा या रजिस्ट्री डाक के द्वारा उसे क्या है सूचना देगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3 कहता है रूल 1 का कि जहां धन का संदाय उपनियम 1 के खंड का या खा के अधीन मनी ऑर्डर द्वारा या बैंक के माध्यम से किया गया है वहां यथास्थिति मनी ऑर्डर में या बैंक के माध्यम से किए गए संदाय में निम्नलिखित विशिष्टियों का स्पष्ट रूप से कथन होगा। अगर जो कौन सी रीति अपनाई गई है जो सब रूल 1 का रूल 1 एंड जो रूल 1 ए है वो अपनाया गया है कि कोर्ट को जमा कराया गया है पैसा, कोर्ट के अंदर जमा कराया गया है बैंक के द्वारा, इस तरीके से दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा निम्नलिखित विशिष्टियां जो हैं स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी। पहला लिखना होगा मूल बात का संख्यांक, द नंबर ऑफ द ओरिजिनल सूट। नेक्स्ट लिखना होगा पक्षकारों के या जहां दो से अधिक वादी या दो से अधिक प्रतिवादी है वहां यथास्थिति पहले दो वादियों दो प्रतिवादियों के नाम लिखने होंगे उसमें। नेक्स्ट है कि प्रेषित धन का समायोजन किस प्रकार किया जाना है, अर्थात वह संदाय मूल के प्रति या ब्याज के प्रति या खर्चों के प्रति है, कि जो धन दिया गया है जो मनी दी गई है उसका जो संदाय है वो किस तरीके से किया जाना है, उस पर क्या जो मूल्य है उसका ब्याज है या कोई अन्य खर्चे हैं या वह क्या है उस मूल्य की उस केस की रकम है, ये सारा कुछ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है कि न्यायालय के निष्पादन मामले का संख्यांक,
जहां ऐसा मामला लंबित है, जहां एग्जीक्यूशन कर रही है कोर्ट, उसका भी नंबर जो है लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि संदायकर्ता का नाम और पता। जो संदाय कर रहा है, जो पेयर है, वो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेयर, वो लिखना होगा। नेक्स्ट आते हैं कि उपनियम एक के खंड का सब रूल फोर कहता है, रूल वन का, कि सबसेक्शन वन के क्लॉज वन और सी में के अधीन जो सदत कोई रकम या ब्याज है, यदि कोई हो, उपनियम दो के विनिर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से नहीं लगेगा। यानी कि इस तरह की सूचना दे दी गई है कि वह पे होने वाला है, तो वहां तक ही लगेगा, उससे आगे का नहीं लगेगा जो ब्याज है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल फाइव कहता है कि उपनियम एक के खंड बी के अधीन संदत किसी रकम पर ब्याज यदि कोई हो, ऐसे संदाई की तारीख से नहीं लगेगा। जब यह रकम क्या है दे दी गई है, उसके बाद से ऐसा ब्याज नहीं लगेगा, ये बताया गया है सब रूल फाइव में। परंतु जहाँ डिक्रीदार मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से संदाय स्वीकार करने से इनकार करता है, लेकिन जो डिक्री होल्डर है वो है मना करता है मनी ऑर्डर या बैंक के थ्रू जो उससे पैसा दिया जा रहा है, वहां ब्याज उस तारीख से जिसको धन ऐसे निवेदित किया गया था नहीं लगेगा, और जहां वह मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से की गई संदाय को स्वीकार करने से बचता है, वहां ब्याज उस तारीख से जिसको धन उस यथास्थिति डाक प्राधिकारियों के बैंक के कारोबार के मामूली अनुक्रम में दिया गया होता नहीं लगेगा। यानी कि जो डिक्री होल्डर है वह क्या है, पैसा लेने से बच रहा है या बैंक के थ्रू या मनी ऑर्डर के थ्रू, तो जो ब्याज है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जब उसको पास पहुंच गया वो, या उसने क्या है मनी ऑर्डर कर दिया या बैंक के अधिकारियों को दे दिया, तो वहां से क्या है उस पर जो डिक्री डेप्टर है उस पर क्या है ब्याज नहीं लगेगा, ये बताया गया है प्रोवाइडेड डेट, यानी कि सब रूल फाइव के परंतुक में। नेक्स्ट आते हैं रूल टू। रूल टू कहता है कि डिक्रीदार को न्यायालय के बाहर संदाय, पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिक्री होल्डर, जहां किसी प्रकार की डिक्री के अधीन जो संदेह कोई धन न्यायालय के बाहर संदत किया जाता है, कोर्ट के बाहर क्या है, वेयर एनी मनी पेबल अंडर डिक्री ऑफ एनी काइंड इज पेड आउट ऑफ कोर्ट, वहां किसी प्रकार की पूरी डिक्री या उसके किसी भाग का समायोजन डिक्रीदार को समाधान पर रूप से अन्यथा कर दिया गया है, वहां डिक्रीदार उस न्यायालय को जिसका कर्तव्य डिक्री का निष्पादन करना है यह प्रमाणित करेगा कि ऐसा संदाय या समायोजन कर दिया गया है, और न्यायालय से तदनुसार अभिलिखित करेगा, तो वह कोर्ट को बताएगा कि इस तरीके से पे कर दिया गया है, जो पैसा था जो मनी थी वह उसे पे कर दी गई है डिक्री होल्डर को, और क्या है डिक्रीदार के पास वो पैसा पहुंच चुका है, और वह कोर्ट को क्या है ऐसी सूचना देगा। सब रूल टू कहता है, रूल टू का, कि निर्णय या कोई व्यक्ति जो निर्णय के लिए प्रतिभू है ऐसे संदाय या समायोजन की इत्तला न्यायालय को दे सकेगा, और न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि न्यायालय अपने द्वारा नियत किसी किए जाने वाले दिन को वह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना डिक्रीदार के नाम निकाले कि ऐसे संदाय या समायोजन के बारे में यह क्यों न अभिलिखित कर दिया जाए कि वह प्रमाणित है, और यह यदि डिक्रीदार ऐसी सूचना की तामील के पश्चात यह होतुक दर्शित करने में असफल रहता है कि संदाय या समायोजन के बारे में यह अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए कि वह प्रमाणित है, तो न्यायालय उसे तदनुसार अभिलिखित करेगा। तो इस तरीके से निर्णय भी क्या है आवेदन कर सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि जो धन था वह उसे दे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल टू ए। सब रूल टू ए कहता है कि निर्णय की प्रेरणा पर कोई भी संदाय या समायोजन तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा कि निर्णय है अगर वह कहता है कि उसने क्या है उसका संदाय कर दिया गया है, तब तक उसका क्या है उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा कि वह संदाय नियम एक के बंधित इसी से ना किया गया हो, वह संदाय या समायोजन दस्तावेज साक्ष्य द्वारा साबित ना किया गया हो, वह संदाय या समायोजन डिक्रीदार द्वारा या उसकी ओर से उस सूचना के उसके उत्तर में जो नियम एक के उपनियम दो के अधीन दी गई है या न्यायालय के समक्ष स्वीकार ना किया गया हो, तो इस तरीके से तब तक उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा।
No payment and judgment shall be recorded at the instance of the judgment debtor unless the payment is made in the manner provided in Rule 1. The payment and judgment is provided by documentary evidence. The payment and adjustment is admitted by or on behalf of the decree holder in his reply to the notice given under section Rule 2 of the Rule 1. और बिफोर द कोर्ट सब रूल थ्री कहता है रूल टू का कि वह संध्या या समायोजन जो पूर्व रीति से प्रमाणित या अभिलिखित नहीं किया गया है डिक्री निष्पादन करने वाले किसी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड ये हो गए रूल टू तक हो गया ऑर्डर 21 का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके अदर रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।